देखो जा रही बंदे बंदे मातरम ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं। हम लोग संदेश भी देते हैं, ऐसे नहीं हम यात्रा करते हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा बांस से होता है। जो आईपीएस अधिकारी ने मना कर दिया भाई, छोटे मोटे अफसर ने मना कर दिया, तो मेहमान ज्यादा, लेकिन आईपीएस अधिकारी। जय हिंद, मैं आपका अरुण सिंह कुशवाहा, आर्मी लैंप संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ बिना पैसे के। दोस्तों मैं आया हूँ आज कामाख्या, जो कि रेलवे स्टेशन जो कि पड़ती आसाम में। हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट पकड़ी थी ट्रेन मैंने, जो कि आसाम के लिए हम आसाम आ गए हैं। हम लोगों ने जहाँ से अपनी यात्रा बंद की थी वहीं से फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग यूपी में जो कि योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, लेकिन हमारा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, वो हमें मिले नहीं, तो वहाँ से डायरेक्ट चले आए सीधे आसाम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, अभी हम यहाँ से उतरे हैं, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे, जो कि है सीधे यहाँ से हम जा रहे हैं मेघालय के लिए। और सोने पे स्वागत हो गया है यहाँ पे, अभी वंदे भारत ट्रेन आ रही, तो आपको वो भी देखने का यहाँ पे, जो कि अभी अभी मिलेगा आपको देखने के लिए। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो भाई सोने पे स्वागत है, हम लोग आए थे माँ कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमें दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पे उतरे हैं। और सोने पे स्वागत ये है कि हमें आज यहाँ पे वंदे भारत जो कि ट्रेन स्टार्ट हुई है वो देखने को मिलेगी। हमने कभी अभी तक मैंने अपनी आंखों से वंदे भारत जो कि ट्रेन ही नहीं देखी है, वो इसी लाइन पे आ रही है। और हमारे देखो आगे दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, और हम ट्रेन के लिए रुके हैं, बस यहाँ से भी हम निकलने वाले हैं, जैसी ट्रेन आएगी आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखो वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और हमें आज पहली बार देखने को मिली है वंदे भारत ट्रेन जो कि। तो भाई देखो वंदे भारत ट्रेन आ रही है, देखो भाई पहली बार हमने देखी गुवाहाटी में आई है, और इस टाइम पे हमें देखो क्या भाई पहली बार देखी है। देखो बैठने के लिए वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल फुल एसी ट्रेन है, और ये सफ़र करके आई है, 300 किलोमीटर का सफ़र करके आई है अभी। और देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिब्बे हैं टोटल, इंजन सहित 8 डिब्बे हैं। और वंदे वंदे भाई बहुत अच्छा लगा यार, ओ भाई दिल खुश हो गया यार। यहाँ तो आज मेक इन इंडिया, ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन। देखो जा रही वंदे वंदे मातरम ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, अब फुल एसी में है, फुल एसी में। ये लास्ट डिब्बा, ये वाला लास्ट डिब्बा है गया। दीपक भाई कैसी ट्रेन लगी? ट्रेन तो ऑसम थी, दोनों तरफ लगता है इंजन है इसमें ना। अभी फिर रिटर्न आएगी ना, फिर आएगी भी। अच्छा फाइनली गाइस अभी हम निकल बस गुवाहाटी से निकले हैं और हाईवे पे आ गए हैं, और ना दिल्ली में गया है, दिमाग का दही हो गया यार। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। हम लोग आस लगा के गए थे कि हमें भारत यात्रा करना के टाइम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने को मौका मिलेगा, लेकिन वो भाई अलग टाइप का निकला। वो भाई राजनीति में जाना चाहता था, लेकिन हम लोगों को जो बुलाया था उसने वो अलग टाइप से बुलाया था, और जो वहाँ करने जा रहा था वो अलग टाइप करने जा रहा था। अगला बंदा बताया भी नहीं, और इन्विटेशन अकेले देने के चला गया। हम लोग सोते ही रहे, हमने कहा यार ये तो अपनी चलाकी चला रहा है, यहाँ से निकल लो जल्दी से, अपना टाइम भी बर्बाद हो रहा है और नाम हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। 15 दिन खराब हो गए मेरे भाई, 15 दिन में तो मैं बहुत यात्रा कर लेता। चलो कोई बात नहीं, जो हमारे साथ हुआ उसको हुआ, लेकिन आगे से नहीं होगा। अब जहाँ भी जाएंगे ना, कोई भी अगर हमें बुलाएगा तो पहले उसका जहाँ उसकी पहले पूरी प्रक्रिया देख लेंगे कि किसने बुला रहा है हम लोगों को, किसने बुलाया था, नहीं पहली बार बुलाया था तो हम लोगों को लगा सही में बुला रहा है, और सही में लगता था तो है, लेकिन जब हम लखनऊ पहुँचे तो वहाँ खेल बिगड़ गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं शिलोंग के लिए, अभी हम मेघालय जा रहे हैं, और जाना चाहते थे वहाँ की क्या नाम है, जाना चाहते थे हम अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश कैंसिल कर रहे हैं, अभी हम शिलोंग निकल रहे हैं। फाइनली अभी हम निकल भी नहीं पाए थे क्योंकि बारिश होने लगी है कि भाई छाता भी निकलना पड़ा, और छाता भी छोटा है इसलिए पानी से मैं बच नहीं पाया, तो मैं यहाँ पर बैठ गया, एक छोटी सी जगह मिली है। और इतना बारिश हो रहा है, दिमाग का दही हो गया, सही बता रहा हूँ क्या बताएं। और हम लखनऊ में थे वहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, चलो यहाँ पे कम से मौसम तो साफ मिला, बारिश होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौसम सही मिलेगा तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए पसीना नहीं निकलेगा, पसीने निकलेगा तो गर्मी हो जाएगी,
और गर्मी हो गई अगर हो जाएगी तो हम बीमार भी हो जाएंगे। वैसे तो हम दिल्ली से आ गए हैं आसाम के लिए, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेघालय के लिए, लेकिन अभी हमने सिटी भी नहीं पार कर पाई, वो बारिश होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कब बंद होगी यार। तो फाइनली दोस्तों हम अभी गुवाहाटी में चल रहे हैं, यहाँ से शिलोंग है, यहाँ से लगभग अभी 70 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बारिश हो रही तो हालत ख़राब हो गई। इसी बीच में हमें भैया ने भी खाना खिलाया और खाना खा के बस निकले ही हैं। और भैया क्या नाम है आपका? फारूक अंसारी। फारूक अंसारी, और आपका नाम? मेरा प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा, देख लो भाई हमारा भाईचारा इतना है, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान में आपस में मत लड़ो, हमारा ये संदेश है, हम लोग संदेश भी देते हैं, ऐसे नहीं हम यात्रा करते हैं, ऐसे नहीं यात्रा भी करते हैं, एकता का संदेश लेके चले हैं और देशभक्ति का संदेश हमारे यहाँ पे। देखो मेरे पीछे तिरंगा लहरा रहा, हमें भाई ने जैसे ही देखा तुरंत ही गाड़ी रुकी, खाना खिलाया, उसके बाद पानी वगैरह खिला के बिल्कुल रेडी है, तब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ भाई। थैंक यू धन्यवाद। चलो चलते हैं भाई, मैं जब से निकला हूँ यहाँ से बारिश पे बारिश हो रही है, और मुझे लगता है ना कि मेघालय में मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, कि बारिश इतनी हो रही तो क्या करें फिर हम। देखो आगे भी बारिश हो रही है, जहाँ भी देखो बारिश ही बारिश। चलो भाई डायरेक्ट लिफ्ट मिल रही है, और भैया डायरेक्ट शिलोंग जा रहे हैं, अब हम भी चलते हैं। यहाँ पे बारिश हुई तब से मौसम ठंडा हो गया, सबसे पहले गर्म था। यहाँ से शिलोंग कितना होगा अभी? 80 किलोमीटर होगा भाई। कभी सोचा नहीं था कि हमें मेघालय में इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम में हमें यहाँ पे एक टोल प्लाजा पड़ा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर पहला मुझे जो कि पूरा टोल प्लाजा मिला है। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं बिल्कुल बेल बुद्धि की तरह हैं, बिल्कुल बेल बुद्धि, उनसे पता नहीं भैंस का दूध पीते थे जो भैंस की तरह उनका दिमाग हो गया है, हमसे बोल रहे कि आप किसकी परमिशन लेके आए, हमने अजीब इंसान हो, पूछने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? और हमने पूछा हम कि ऑफिस कहाँ पे, ये ऑफिस ऊपर है, तो हम ऊपर ऑफिस में चले गए बिना ये, वहाँ तो एक ऊपर कोई है नहीं है, और मिले तो ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। देखो यात्रा में आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, और इन लोगों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुरे मिल जाते हैं उनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें कोई मतलब होता नहीं हम क्या कर रहे हैं, और उन्हें कोई, और इसीलिए मैं वहाँ से चलाया। और देखो यहाँ पे ऑफिस बना था, वहाँ पे मैं गया था, और ये रहा टोल प्लाजा। और मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि देखो टोल प्लाजा पे बहुत लोग अच्छे मिलते हैं, बहुत ख़राब मिलते हैं। देखो हमें यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि आपके लिए रुकने के नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो बनाने लगे, वीडियो बनाने पर ऑब्जेक्शन उठा देंगे, वीडियो नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं एक पुलिस स्टेशन आगे पड़ेगी, पुलिस चौकी पड़ेगी, वहाँ जाते हैं, और वहाँ तो जहाँ तक मिलने को रुकने को मिल ही जाएगा, बट यहाँ पर मंदिर भी नहीं है, और काम भी होने जा रही है, बारिश बहुत हो रही है, मेरे पास वाटरप्रूफ कैम भी नहीं है जो मैं रुक जाऊंगा। भाई ने हमें लिफ्ट दिए थाने तक की, और हम गए थे ना टोल प्लाजा पे गए थे, लेकिन टोल प्लाजा ने मना कर दिया, लेकिन हमारी वहीं से तुरंत बैठा के ले आया, और खाने के लिए बिल्कुल छोड़ने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या चीज़ है, अनानास है ना? एक्सक्यूज मी, हेलो, एसएमएस है क्या? इंडियन है? हाँ इंडियन है, वही बोला मैंने, कहा हम हिंदी बात कर रहे हैं, हिंदी, अच्छा हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ ये लगा कि आप वार्ता में कर रहे हैं, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश, चलो जो हम लोग असम में रहता है, अच्छा अच्छा, लेकिन आपका वो जो मतलब आपका पोतों का जो देखा ना, इसलिए हमको मतलब बात करने के लिए आपका साथ आया। थैंक यू, गलत में समझा है यार, आप भी जल्दी अच्छा लगा जस्ते पता है ना, इसलिए आपको मैंने बात के लिए थैंक यू वेरी मच, बाद में मिलेगा। ओके ओके, ये क्या चीज है, ये लाओ है, अच्छा लाओ है, ये आपकी शॉप है क्या?
अच्छा आपकी आपकी मम्मी है, आप ही की तो यार देख लो भाई, बोल रहा मेरी नहीं मेरी मम्मी की है देखो भाई मेघालय के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक टोल प्लाजा वाला खराब मिल गया, उसने दिमाग का दही कर दिया। चलो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ से पुलिस चौकी कितना होगा अभी? ज़्यादा नहीं, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बेंदू से होता है, बांस से होता है। अच्छा बांस से होता है, ओ समझ गया। ओके खाने के लिए होता है, खाने के लिए? हाँ खाने के लिए। और ये अचार है ना? अच्छा सब चीज़ का अचार मिल गया। अच्छा अच्छा ये अच्छा सब चीज़ का मिलता है यहाँ पे ना? ये बेम्बू का है या फ्राई फिश का है। हेलो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं और रात में रुकना है, भी स्टे भी करना है, जगह भी ढूंढनी है। भाई पूरा दिन चलने के बाद मेघालय में, शुरू एंट्री करते ही मुझे एक भाई मिल गया, उसने मुझे बहुत भरा भुला कर दिया, जो कि टोल प्लाजा पर। वहाँ के बाद आए नुंगफू, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है नुंगफू, और यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन में भी जो आईपीएस अधिकारी ने मना कर दिया भाई, छोटे मोटे अफसर ने मना कर दिया तो मैं मान जाता, लेकिन आईपीएस अधिकारी जो कि पूरी पढ़ाई करके रखा है, एक एक बार उसके भाई को एक एक नॉलेज पता है, लेकिन वो भी बता रहे आधार कार्ड पैन कार्ड मान्य नहीं होगा आपका, और कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ। हम के प्रधानमंत्री लेके लिखा के रहे हैं जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, मान के गुरु जी यार, आईपीएस अधिकारी को मान के यहाँ के भैया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं, पुलिस वालों के बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे आज भैया ने जगह दी है थोड़ी, वैसे हम बाहर लेटे थे बरामदा में, उन्होंने बोला कि यहाँ पे रात में चोर उचर के आते हैं, नशेड़ी आते हैं, तो आप अंदर सो जाओ, बाहर आपको लूट लिया जाएगा, तो हम अंदर सो गए। चलो देखो हम जान जोखिम लेके चले हैं तो यात्रा तो करके रहेंगे। मेघालय आए हैं, मेघालय में अच्छे हमें लोग मिले हैं, बट दो तीन लोग गलत मिल गए थे, और उनकी वजह से ना हमें थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन जो आईपीएस अधिकारी की वजह से आज मुझे इतना कुछ अलग मुझे उन पर गुस्सा आ रही है। चलो क्या है, उनकी भी ड्यूटी है। और मेरे एक बार नहीं समझ भी, आखिर मेघालय भी इंडिया में है, तो यहाँ पिन कार्ड आधार कार्ड ये मान क्यों नहीं मेरा कर रहे हैं? बोल रहे आप और कोई आधार कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ। मैंने कहा आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ, इसमें वहाँ से चला आया, और मैं सुबह आईपीएस से मिल के जाऊँगा। कहूँगा सर आपने मना कर दिया, उसका लिखित तो दीजिए हमें, अपने मना कर दिया तो कोई अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कल यहाँ से हम निकलेंगे शिलोंग के लिए, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर शिलोंग बचा है, और मिलते हैं कल एक निकलों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।